अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, डिश कुकिंग में आपका वेलकम है। आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ सोयाबीन स्नैक्स। स्नैक्स रेसिपी शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़। चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी के लिए किन किन हमें चीज़ों की ज़रूरत लगती है पहले एक बार देख लें। अब एक बॉल लेकर उसमें हम एक कप जितना सोयाबीन उसमें हम ऐड करेंगे। एक कप ली तो हमारे सोयाबीन के वड़े हमारे कितने होंगे, लगभग 15 से 20 बनकर तैयार होंगे। अब हम इसमें अच्छी तरीके से खौलता हुआ पानी इसमें ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद उसको अच्छी तरीके से 2 से 3 मिनट तक चम्मच से अच्छे तरीके से इसको मिक्स करिएगा। मिक्स करने के बाद हम इसको 5 मिनट तक उसको प्लेट ढककर हम उसको रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। चलिए फ्रेंड्स, 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको अच्छी तरीके से दूसरी बार भी इसको 2 से 3 मिनट तक मिक्स करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अच्छी तरीके से हमारे सोयाबीन्स अच्छी तरीके से फूल चुके हैं। अब हम इसको एक छन्नी लेकर उसमें हम सारा पानी उसका निकाल लेंगे। 5 मिनट तक हम इसको इसी छन्नी में रख लेंगे, पानी पूरा इसका निकल जाना चाहिए। अब हम इसको निकाल लेंगे, ठंडा होने के बाद में अच्छी तरीके से एक चिल्ड पानी में डालकर उसको हम साइड कर लेंगे। अब हम इसको एक बॉल में लेकर अच्छी तरीके से इसको हाथों से निचड़ निचड़ कर लेंगे। इसमें एक थोड़ा सा भी पानी नहीं चाहिए हमें सोयाबीन्स में। इसको अच्छी तरीके से सारे इसी तरीके से हम निकाल लेंगे। सारे इसी तरीके से हम सोया चंक्स को पानी से अच्छी तरीके से निकाल कर हम एक बॉल में इसको निकाल लेंगे। अच्छी तरीके से थोड़ा भी पानी नहीं रहना चाहिए हमारे सोया चंक्स में। अब हम इसको अच्छी तरीके से पानी से अलग कर लिया है। अब हम इसको एक मिक्सी का जार लेकर उसमें हम सारे इसी को डालकर अच्छी तरीके से इसको ग्राइंड करेंगे। थोड़ा सा भी पानी ना डालिएगा वरना हमारे सोया चंक्स गीले हो जाएंगे। इसलिए पानी ना डालकर ही उसको अच्छी तरीके से दरदरा पीस लेना है, फाइन चॉप नहीं करना है हमें। इसको दरदरा ही रहना चाहिए हमारा ये। अब हम एक बॉल लेकर उसमें हमारा सारा सोयाबीन का वो सारा मिक्सचर निकाल लेंगे। निकाल कर 2 टेबल जितना बेसन डालकर हम इसमें अब ऐड करेंगे, साथ ही 1/2 चम्मच जितना हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर डालने से हमारा कलर अच्छा आएगा। 1 चम्मच जितना धनिया पाउडर ऐड करेंगे, साथ ही ऐड करेंगे हम 1 चम्मच जितना साल्ट। इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1 टेबल जितना ऐड करेंगे। इसमें साथ ही ऐड करेंगे काली मिर्च का पाउडर 1 टेबल जितना। साथ ही एक फाइन चॉप किया हुआ एक ऑनियन लेकर उसको हम इसमें ऐड कर लेंगे। फ्रेश हरा धनिया डालकर उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। थोड़ा सा भी पानी डालिएगा वरना हमारा बैटर गीला हो जाएगा। जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ हमारा मिक्सचर इसी तरीके से हमारा चाहिए हमें। अब एक हाथ में हम ऑयल को ग्रीस कर एक थोड़ा सा बैटर लेकर उसको अच्छी तरीके से राउंड कर लेंगे। कर अब हम इसको अच्छी तरीके से इसको गोल शेप देंगे। आप चाहे तो कोई भी शेप देना चाहे, मैंने अच्छी तरीके से इसको गोल शेप ही दिया है। अब मैं इसको एक प्लेट में अच्छी तरीके से इसको सारे इसी तरीके से बनाकर साइड में प्लेट में रख लेंगे। दूसरा भी इसी तरीके से अच्छी तरीके से ऑयल लेकर उसको थोड़ा सा बैटर लेकर अच्छी तरीके से इसको राउंड अप करेंगे। करके हम उसको पहले बनाए थे ना, उसी तरीके से इसको भी अच्छी तरीके से हम गोल बना लेंगे। अच्छी तरीके इसी तरीके से बनाने के बाद टिक्की की तरह अब हम इसी तरीके से सारे इसी तरीके से बनाकर तैयार करके आपसे मिलेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे बनाकर तैयार कर लिया है एक प्लेट में साइड में रखकर। अब हम इसको एक पैन लगकर लो फ्लेम पर ही हम अपने पैन को प्रीहीट करेंगे। इसमें 1 कप जितना ऑयल डालकर उसको अच्छी तरीके से 3 मिनट तक अच्छी तरीके से प्रीहीट कर लें। हमारा ऑयल अच्छी तरीके से प्रीहीट हुआ है या नहीं हम इसको अच्छी तरीके से चेक करेंगे। हमारा ऑयल अच्छी तरीके से प्रीहीट हो चुका है। अब हमारी इस स्नैक्स की टिक्की को हम इसमें ऑयल में डालकर अच्छे तरीके से इसको
गोल्डन ब्राउन होने के लिए रख देंगे। ध्यान से डालिएगा वरना हमारी टिक्की टूटने के चांस रहेंगे। इसी तरीके से लो फ्लेम पर ही रखकर हम इसको अच्छी तरीके से उलट पलट कर गोल्डन कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से हम इसको डाल लेना है। ज़्यादा तेल मत जलाइएगा वरना साथ ही डालेंगे तो हमारे ऊपर से तो गोल्डन हो जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इसीलिए लो फ्लेम पर ही हम इसको अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन होने के लिए रख देंगे। लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक रखने से हमारे इस टिक्की में गोल्डन ब्राउन आ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हम इसको एक बाउल में हम इसको निकाल लेंगे, सारे इसी तरीके से निकाल लेंगे। अब हम दूसरी भी इसी तरीके से टिक्की को डालकर अच्छे तरीके से इसको लो फ्लेम पर ही हमें इसे कुक होने के लिए रख देना है। अच्छी तरीके से इसको उलट पलट कर हम इसको अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन होने तक कर लेंगे। 3 से 4 मिनट में ही हमारे गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे लो फ्लेम पे ही। अब हम इसको निकाल लेंगे, फ्लेम बंद कर कर अब हम इसको एक बाउल में सारे निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, देखने से कितने लाजवाब लग रहे हैं, खाने में भी इतने ही टेस्टी लगेंगे। आप भी बनाकर ट्राई करिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। एक प्लेट लेकर अब हम इसको सर्व करेंगे। आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय, अल्लाह हाफिज़। आपसे हमारी अगले वीडियो में मुलाकात होगी।